घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। कौन है? अरे वाह। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फजर है। कहाँ से आए हो आप? जी हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं और बॉम्बे की अंधेरी में हम रहते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर। काम तो सर मजूरी का करता हूँ सर, कमटे का काम करता हूँ, सारा दिन धूप में काम करता हूँ सर। इतने सर पैर दुखते हैं, हाथ दर्द करता है, बहुत ही दर्द करता है, लेकिन क्या करूँ सर, मजूरी है सर, करनी पड़ती है। हम बाहर जो रहते हैं सर, मेरी माँ है सर, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सब पाली राजस्थान में रहते हैं और हम बॉम्बे की इस अंधेरी में हम रहते हैं। यहाँ पे हम बहुत मजदूरी करते हैं सर, सारा दिन काम करने पर मुझे 200 रुपये मिलते हैं सर। अब मैं सोचता हूँ कि 200 रुपये से कैसे मैं घर चलाऊंगा और कैसे मैं किराए के मकान का किराए दूंगा, सारा सोचता हूँ सर। जब मैं रात को सोता हूँ तो सर मुझे घर वालों की याद भी बहुत आती है, इतनी याद आती है सर कि सारी रात में रोता रहता हूँ सर, बहुत याद आती है, इतनी याद आती है, छोटे छोटे बच्चों की याद आती है, बीवी की याद आती है, माँ की याद बहुत ज़्यादा आती है सर, इतनी याद आती है माँ की, क्या बताऊँ सर। आप भी समझते होंगे सर, आपकी भी माँ होगी सर, आप तो आपके माँ बाप के पास में रहते हो सर, हम तो छोड़ के आए हैं सर, किस तरीके से यहाँ पर रहता हूँ सर, मैं नहीं समझ सकता सर, क्या बताऊं मैं आपको, इतनी याद आती है सर कि मैं जब मैं कपड़े धोता हूँ तो सर माँ की याद आती है, खाना बनाता हूँ तो माँ की याद आती है, सारी मेहनत मैं करता हूँ सर। जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में खेलता कूदता था, बहुत अच्छे दिन थे सर। जब मैं बड़ा हुआ तो सर आज इस तरीके की मुसीबत आ रही है, क्या बताऊँ सर, इतना परेशान होता हूँ, मजदूरी करता हूँ, बहुत तकलीफ होती है। घर में रहता था तो माँ मेरे हाथ दबा देती थी, पैर दबा देती थी, माँ मेरा सर दबा देती थी, मुझे बहुत सुकून मिलता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है सर, कौन मेरी सुनता है सर, किस तरीके से मैं घर चलाता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ और बचाता भी हूँ सर, घर में भी भेजना पड़ता है सर, और यहाँ पे कभी कभी मजदूरी नहीं मिलती है सर, सोचता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं कमाऊंगा और कैसे घर चलाऊंगा, मेरे बच्चे को कैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। और तो सर वहाँ पे बैठा बैठा मैं गाना गुनगुनाता हूँ, जब मैं खाना बनाता हूँ बहुत बहुत बार मैं गाना गुनगुनाता हूँ, और फिर मैंने सोचा सर मुझे एक बार इंडियन आइडल जाना चाहिए, क्या पता मैं इंडियन आइडल जाऊँगा, मेरा गाना सर को पसंद आ जाएगा, मेरे भाई लोग जितने भी देख रहे हैं उनको भी पसंद आ जाएगा, तो मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे,
इसीलिए सर मैं ढला ढला आया हूँ सर। मैं आप सब भाइयों का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है सर। एक इतनी कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है, आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। ओके सर। मेरे भाई की याद आ जाती। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? सर मैं आज गाना बहुत ही दर्द भरा गाना गाने वाला हूँ। आज सर जो गाना मैं आज गाऊंगा, इस गाने को जो भी सुनेगा सर आंखों में से आंसू नहीं रोक पाएगा सर। मेरे अभी भी आंखों में आंसू बहुत आ रहे हैं सर। मैं सर आज इस गाने को गाऊंगा, सारा देश रुला दूंगा सर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा। आसमां को सुनाना है, गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिंटा चंदा मन मन गु का, इन्हें
सुरों से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा घोरे घोरे तिरंगा शौक घोरे तिरंगा थे थे तिरंगो रोटी घोरे निकालो ले जाओ घर आपने बदल दिया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.